हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉन्ट किस साइज को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को हम किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉन्ट का कलर हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और आई ड्रॉप उनके बारे में हम किस तरीके से हम कलर के बारे में पढ़ सकते हैं, किस तरीके चेंज कर सकते हैं, तो हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मान लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए मुझे इस पे कोई कलर करना है कोई भी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा इस पे फॉन्ट कलर, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई भी आप चूज कर सकते हैं, मैंने ये करा चूज, ये आप देख सकते हैं कलर हो गया। ये दूसरा कोई और चाहिए तो आप कोई और भी कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर दिया मैंने। इसके बाद आप मान लीजिए सब पे चाहिए, सभी पे अलग चाहिए, तो सभी पे एक कलर कर दिया कोई भी, ऑरेंज कर दिया, तो सभी पे एक जैसा कलर आ गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉन्ट कलर की हेल्प से हम सभी पे हम चेंजेस कर सकते हैं, बस जहाँ पे भी हमने ड्रैग कर रखा हो। और अगर मान लीजिए कहीं पे ड्रैग नहीं कर रखा, तो अगर तब चेंज करते हैं, तब वो सिर्फ उसके उस वाले वर्ड पे वो करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा था अपना कर्सर, तो ये इस वाले वर्ड को कर दिया इसने कलर। तो इसलिए अगर अगर सभी को चाहिए तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे इस कलर के अलावा थीम्स कलर्स के अलावा स्टैंडर्ड कलर्स है, स्टैंडर्ड कलर्स के अलावा मोर फॉन्ट कलर्स का है, बहुत सारे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। या आप देख सकते हैं इसमें दो दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, स्टैंडर्ड कस्टम, तो स्टैंडर्ड पे ये आप देख सकते हैं नॉर्मल, आप जिस भी कलर को करेंगे क्लिक ये तो हो जाएगा, ठीक है, तो हम ओके कर देंगे। या आप देख सकते हैं इसने इसको करेंगे, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं करा था, तो इसने सिर्फ इस वर्ड को करा। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो आप देखना फिर इसको स्टैंडर्ड पे ग्रीन कर दिया मैंने, स्टैंडर्ड पे ग्रीन कर दिया मैंने, तो ये ग्रीन से ये ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद मोर इसमें दूसरा ऑप्शन है कस्टम, कस्टम पे होता ही है कि आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, और प्लस इसमें आप ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर सकते हैं, या ब्राइटनेस इस कलर की ये और भी डार्क कर देते हैं। तो ये आप देखते हैं कि और भी स्काई ब्लू था सबसे पहले तो, बट लेकिन उसको हमने और भी डार्क कर दिया स्काई ब्लू से, तो ये और भी डार्क हो गया ये। तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं कलर्स में। और एक और ऑप्शन इसमें आई ड्रॉपर का, तो उसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो किसी किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे करेंगे, हम इस वाले पे हम चाहेंगे कि ये वाला कलर आ जाए, ये अभी भी ब्लैक है ये वाला, तो चाहेंगे कि हम इस ये वाला कलर इस पे भी आ जाए, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे। और सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले तो इसी को हमको वो करना पड़ेगा, इसको हमें ड्रैग करें क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, इसको चेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद आई ड्रॉपर पे क्लिक करा, हम इस वाले कलर के आसपास जाएंगे, ये देख सकते हैं ये आपकी, अब ये इस स्क्वायर में आ गया है कलर, तो हम इस जैसे ही आ गया कलर तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये ऊपर वाला भी सेम इस जैसे कलर का हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आई ड्रॉपर का हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।